एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ऐसा कब होता है दैट वी आर फ्री ऑफ एंजाइटी, फ्री ऑफ स्ट्रेस, फ्री ऑफ टेंशंस, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, एंड अ साउंड स्लीप। ऐसा तभी होता है व्हेन वी आर विद अ पेरेंट्स, या जब हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिजी द स्केड्यूल इज। टुडेज एपिसोड रेजोनेट्स द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स in the life and career of their children. It has been a historic milestone in the episodes of Conversation with Supriya, where every guest has spoken about the great deeds of their parents. Unke parents ne kaise unko inspire kara, kis tarah se wo unka source of motivation rahe, and the supporting pillar throughout their life. So today, let's take out some time. Let's cherish those few lovely moments which speak about the volume, the love, and the care of our parents. मैम, लाइक जैसे आपने बताया, आपको ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए हैं मैजिक प्रैक्टिस करते हुए, तो फर्स्ट टाइम कब आपने मैजिक ट्रिक दिखाई थी? मैं करीब 2-2.5 साल की थी, मेरे फादर ने मुझे मैजिक सिखाया था, एक ट्रिक थी। अनफॉर्चुनेटली आज मैं लेकर नहीं हूँ, वरना मैं आपको जरूर दिखाती। वो एक पजल था, छोटा सा स्प्रिंग पजल, और जैसे होता ना कि मेरे फादर को मैजिक की हॉबी, मतलब मैजिक एज अ हॉबी उन्होंने सीखा था, उन्होंने एज अ करियर इसे कभी नहीं लिया, बट उनका पैशन था मैजिक को लेकर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बट वो इंजीनियर बनकर उनके स्टडी से वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उस इंटरेस्ट से उन्होंने मैजिक की एक छोटी दुकान डाली थी, शॉप हुआ करती थी हमारी इन उदयपुर, जो मेरा बर्थ प्लेस है, और वहाँ पे वो अपने इवनिंग आवर्स में लोगों को मैजिक दिखाते थे, टूरिस्ट आते थे, वो कई लोग जो सीखना चाहते उन्हें सिखाते भी थे, एंड दैट वाज माय मैजिक स्कूल। क्योंकि मुझे और कहीं ऐसा कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग कह सकते हो, वैसा कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिला, तो वहाँ पर वो उन्होंने एक छोटी ट्रिक सिखाई थी, और वो जैसा बताते हैं कि उन्होंने वो सिखाया, एंड रात को सो गए, और रात को 10:45-11 बजे के आसपास मैं अकेली उस एक्टिव प्रैक्टिस कर रही थी, तो पापा की आंख खुली और उन्होंने देखा यार ये प्रैक्टिस कर रही है, तो दैट वाज द टाइम जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, इसे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इसे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। एंड एट द एज ऑफ 4.5 ईयर्स ओल्ड हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में, तब मैं फर्स्ट क्लास में थी, जैसे आपकी आदविका है, तो मैं भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, और हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैंने अपना पहला 15-20 मिनट का परफॉर्मेंस दिया। एंड मैं कहना जरूर चाहूंगी कि इसका क्रेडिट जाता है बहुत ज्यादा मीडिया को, कि द नेक्स्ट डे द वे मीडिया ने जो हाईलाइट किया मुझे, उस पूरे एनुअल फंक्शन की न्यूज मेरे नाम से लग गई, एंड मेरा पहली बार अखबार में फोटो आया। 4.5 साल का बच्चा नहीं समझता है, लेकिन पापा को बहुत लगा कि अगर इतनी सी मेहनत से इतना कुछ हो सकता है, तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाते गए, मैं करती गई, एंड 2001 में मैंने एज अ कॉमर्शियली टिकट शोज स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब मेजरली यही होता है कि कितना खा लोगे, क्या होगा, खा खा के फट जाओगे, इतने गंदे कमेंट्स आते हैं, और ये एक खा खा के फट जाएगी इज मैंडेटरी। तो पहले मैं डिलीट कर लेती थी या ब्लॉक कर देती थी, अब मैं रिप्लाई करती हूँ कि तेरे बाप का खा रही हूँ क्या, ये तेरा बाप खिला रहा है क्या, तो मेरा भाई उसको सपोर्ट करके उस पर कॉमेंट करता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो मेरा भाई देख के कॉमेंट कर देता है उस पर कि तेरा बाप का खा रही है क्या। वेरी नाइस चलती है, देखो टिट फॉर टैट। या आप पहले पहले बहुत लोगे वापस, पहले बहुत लगता था, तो बंदा खुद ही डिलीट कर देता है वो कॉमेंट। School is the most important place where the kids build up is there. Of course, the family is there. My parents, my father is a CA, my mother is a homemaker. She is a great poetess, and I have a younger brother. So my whole family was a very loving, closely knit, and very compassionate family. So, and of course, with lot of love, I was brought up. From there, I think I got all the confidence, which actually built up the whole personality in me. Exactly. So whatever you have derived from your childhood, love, care, jo bhi parents se aapko mila, yes. Now you're spreading it to the world. Yes.
मैं फर्स्ट टाइम जब खेल के आया तो मैं जीत के आया, तो काफ़ी लोग आते हैं और मिलते हैं, साथ ही मेरे साथ घर तक आए, तो उन्होंने मेरे से कई से मैंने सुना, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता, उन्होंने बोला कि यार इनका इतना सा घर है, इतना महंगा खेल खेल रहे हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे। तो वो मेरे लिए जब मैंने किसी से ये बात सुनी तो मुझे लगा यार मुझे करना ही है, तो यही करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें मेरा सपोर्ट मम्मी ने किया, फादर नहीं है मेरे, मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो और ब्रदर है मेरा, सिस्टर है, ब्रदर मेरा राइफल शूटर है और सिस्टर राइटर है। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं उसके लिए आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ, चाहे कोई सा भी गेम हो, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। मैं तो ये भी कहता हूँ किसी भी फील्ड में आप अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। बचपन का खास किस्सा ये है कि बच्चे मोस्टली बचपन में कार्टून्स टीवी देखते थे और मैं ड्राइंग करती थी। हमने घर पे टीवी लगवाया ही नहीं था हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि हम जब भीमताल आए थे तो हम स्पेशली पढ़ाई के लिए आए थे, तो टीवी नहीं लगवाया था। तो वो एक मेन कारण था कि मेरा ड्राइंग में इंटरेस्ट जाना, ड्राइंग की तरफ मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मम्मी और मेरी बहन भी ड्राइंग और मम्मी काफ़ी टाइम पहले से हैपन वगैरह करती थी। अच्छा, तो इस वजह से मैं भी ड्राइंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब एक ये आप बोलोगे एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा डिसीजन था आपके पेरेंट्स का कि टीवी घर पे होना ही नहीं चाहिए। हाँ, राइट है ना। मतलब जब हम सब ने 12th पास आउट कर लिया था तब हमारे घर पे टीवी आया था। मैम, मेरा सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है इस तरफ इंक्लाइन होने का, दैट इज माई डैड मिस्टर प्रमोद गौतम। मतलब एक्चुअली मैं उनका थोड़ा सा एटीट्यूड बता देती हूँ। ही वॉज अ वेरी यू नो अग्रेसिव पर्सन बिफोर, जब वो स्पिरिचुअल पाथ में नहीं थे, बहुत अग्रेसिव थे, बहुत गुस्सा थे, बहुत टेम्परामेंट उनका बहुत ज्यादा हाई था। एंड टुडे इफ आई सी माई डैड, इज कम्प्लीटली चेंज्ड मैन, कम्प्लीटली। मैं उनसे कुछ भी बोल देती हूँ एंड ही टेक्स इट सुपर लाइटली। आई वाज लाइक, मैं क्या उन्हीं से बात कर रही हूँ जो 10-15-20 साल पहले मेरे डैड थे, एंड टुडे इज कम्प्लीटली चेंज्ड। सो ही वॉज द फर्स्ट मोटिवेशन, और उनके कारण ही मैं इस पाथ में आई हूँ। उन्होंने ही एक्चुअली मुझे आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ इंक्लाइन किया है, एंड हिज नॉलेज इज रियली गुड आई मस्ट से। तो उनके साथ जो मोटिवेशनल सेशंस होता है मेरा, द वे वी टॉक, द वे आई लर्न अबाउट गॉड, द वे आई लर्न अबाउट सुपर एनर्जीज, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑल्सो, वो साइंस को भी स्पिरिचुअल में इंक्लूड करते हैं। यू नो इट्स नॉट जस्ट द स्पिरिचुअल कि आप ऐसे करो, वो साइंस को भी इंक्लूड करते हैं कि बेटा फिजिक्स और साइंस और स्पिरिचुअलिटी कैसे मिक्सअप हो सकती है। एंड देन आई कम टू नो, यस दैट इज द थिंग विच मोटिवेटेड मी टूवर्ड्स इट। राइट राइट। बहुत अच्छा मानती है, उसके लिए लड़ाई होती रहती है, कभी भी गया था तब भी लड़ाई होती है। अच्छा, छोटी मोटी बात भी लड़ाई होती, फिर हंसा देता हूँ उसको। अच्छा, थोड़ी देर में गुस्सा करेगी तो मानता ही नहीं, फिर मैं उसको ऐसे डांट। फिर कभी कभी हम लाइव आता हूँ तो मम्मी भी गाती, मेरा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव देखते हो तो अच्छा गाती, मतलब वो उसका ही वरदान है मेरे ऊपर। हाँ, माँ की आवाज मेरे को बिल्कुल, वो जो सुर है की माँ से ही आपके पास ना आए। ना माँ ने सीखा, ना मैंने सीखा, अभी भी नहीं सीखा मैंने। हाँ, बस वो जो ऊपर वाले की दुआ है, बस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, दिल से जब आप कुछ करते हैं। सो बिफोर वी रैप अप आवर सेशन, ऑल आई वांट टू से इज दैट थोड़ा समय निकालिए, या जितना समय हो सके उतना निकालिए फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर चिल्ड्रन। हियर आई वुड लाइक टू कोट द लाइन्स गिवन बाय द सुपर जीनियस पर्सनैलिटी ऑफ ऑल जनरेशंस, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बोला है, अगर आप अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उसको परियों की कहानियाँ सुनाइए, और भी ज़्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उसको और परियों की कहानियाँ सुनाइए। सो बी रेडी विद अ बैग फुल ऑफ फेरी टेल्स। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।